हेलो गाइज, आज का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग एक्शन बार में डायलॉग व्यू को शो करवाते हैं। तो अगर आपको पता नहीं कि डायलॉग व्यू होता क्या है, तो आपको वीडियो नीचे दिया जाएगा लिंक, उसमें जाना है आपको पार्ट वन में, और वहाँ देखना है कि कैसे हम लोग पूरा ऐप का बताएं ओवरव्यू कि कौन सा डायलॉग क्या क्या उसमें है, नहीं है, क्या करना नहीं करना है, टोटली चीज़ बताया गया है। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि यार आप वीडियो कंटिन्यू देखें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझने को मिलेगा। क्योंकि यार अगर आपने वीडियो को मिस किया या फिर स्किप किया या फॉरवर्ड किया, तो आपको कुछ कोड आपसे मिस हो जाएगा और टोटली चीज़ आपसे आपके हाथ से निकल जाएगी। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ सेट किए थे अबाउट का, इंस्टाग्राम का और डिस्क्लेमर का। तो देखिए, इंस्टाग्राम का मैं यहाँ टोटली इसका कोड सेट कर सकता हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ देखिए डिस्प्ले पर आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा और टोटली कोड यहाँ इंस्टाग्राम का आप लिख सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो हम लोग डायरेक्टली क्रिएट करने वाले हैं अबाउट का डायलॉग बटन, इसीलिए हम इसमें इंस्टाग्राम के बारे में कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो हाय गाइज, मैं निकल, आप देख रहे हैं क्लिक टिक को यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में दिया रहेगा बेल आइकन, उस पर आप ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट में, और इसके अंदर में यहाँ देखिए, यहाँ हमको दो चीज़ क्रिएट करना पड़ेगा, दो लेआउट। तो यहाँ आएंगे लेआउट के अंदर में, और यहाँ राइट क्लिक न्यू, और यहाँ दिया रहेगा रिसोर्स फाइल, लेआउट रिसोर्स फाइल। तो यहाँ हम लोग पहला दे लेंगे डायलॉग अबाउट, पहला क्रिएट करेंगे अबाउट का क्रिएट करना है। और इसका जो यहाँ रूट लेआउट जो एलिमेंट है, इसको हम ले लेंगे रिलेटिव लेआउट। उसके बाद इसको ओके क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा पहला यहाँ बन गया। अब सेकेंड में आते हैं, तो फिर लेआउट पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू, और यहाँ फिर से एक काम, और यहाँ फिर से लेंगे डायलॉग डिस्क्लेमर, क्योंकि हम लोग दो चीज़ लेने वाले हैं, डिस्क्लेमर का भी और इसका, दोनों का। तो इतना हो गया। फिर इसका जो लेआउट है, यहाँ हम लोग यहाँ रूट लेआउट को रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट करके इसको यहाँ ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे पास, अब इसको मैं हाइड करता हूँ, और देखिए हमारे पास यहाँ अबाउट का सेशन आ गया और डिस्क्लेमर का। तो पहले काम करेंगे अबाउट में, अबाउट में यहाँ जाने जाएंगे स्प्लिट में, और यहाँ देखिए हमारे सामने यहाँ आपको यहाँ एक स्क्रीन दिख रहा होगा, और इस स्क्रीन में हम लोग यहाँ काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग इस कोड को करते हैं रीअरेंज। तो उसके लिए हमको अल्ट कंट्रोल एल दबाना पड़ेगा, ताकि कोड हो जाएगा रीअरेंज। अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ रिलेटिव लेआउट ने लिखा हुआ, तो यहाँ आपको इसका विथ जो है, इसको लेना है 300, ठीक है, इसका विथ लेना है 300, और इसका हाइट रहेगा, वो हाइट रहेगा रैप कंटेंट, मच पेरेंट नहीं रहेगा। और इसका जो ग्रेविटी रहेगा, और इसका ग्रेविटी रहेगा सेंटर, क्योंकि ये टोटली चीज़ जो हम लोग लिखेंगे इसमें सब सीधा बीच से फैलेगा, मतलब बीच से ऊपर नीचे होगा, ऊपर से नीचे नहीं होने देंगे हम, ठीक है। उसके बाद इतना होने के बाद यहाँ लेंगे लीनियर लेआउट एक लेंगे, और लीनियर लेआउट इसका जो विथ रहेगा वो रहेगा मैच पेरेंट, और इसका हाइट जो रहेगा, हाइट रखेंगे यहाँ रैप कंटेंट, इसको क्लोज करेंगे इस ब्रैकेट से। और इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले इसका पैडिंग सेट करेंगे, पैडिंग रहेगा एट डीपी, और पैडिंग के बाद यहाँ इसका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो वर्टिकल रहेगा, क्योंकि इसको वर्टिकल दिखाएंगे। और इसका जो ग्रेविटी रहेगा, तो सेंटर वर्टिकल में इसको सेट करता हूँ, ठीक है, इसका ग्रेविटी रख देंगे सेंटर वर्टिकल नहीं रहेगा, सिर्फ सेंटर रहेगा। इसके अंदर हम लोग अब लेंगे टेक्स्ट व्यू, लेकिन उससे पहले यहाँ हम लोग एक ले लेंगे मार्जिन टॉप, लेंगे मार्जिन टॉप लेंगे यहाँ 40 dpi। अब ये 40 dpi मैं क्यों ले रहा हूँ, वो आपको इसी वीडियो के बाद मालूम पड़ेगा कि ये मैंने 40 dpi लिया क्यों। अब क्यों लिया, यहाँ देखिए इसके अंदर में हम लोग यहाँ टेक्स्ट व्यू क्रिएट करेंगे, जिसका नाम रहेगा टेक्स्ट व्यू, और इसका रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, और इसको क्लोज करेंगे, और इसका नाम रहेगा टेक अबाउट, तो अबाउट रहेगा इसका नाम। यहाँ देखिए अबाउट लिखा गया। इसका अपीयरेंस लेंगे हम लोग, अपीयरेंस में लेंगे लार्ज, टाइल रहेगा बोल्ड, टेक्स कलर इसको हम लोग रखने वाले हैं वाइट, एंड्रॉयड और वाइट। अब देखिए कलर जब हम लोग वाइट लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ हमको इस चीज़ का चाहिए बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो हमारा कलर जो है काम नहीं करेगा वाइट कलर। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, तो बैकग्राउंड में इसका रहेगा यहाँ हम लोग यहाँ एक क्रिएट करेंगे ड्रॉबल के अंदर में, यहाँ एक आएगा राइट क्लिक करेंगे यहाँ से न्यू, और ड्रॉबल रिसोर्स फाइल लेंगे यहाँ, और यहाँ हम लोग इसको क्रिएट करेंगे बीजी, मतलब डायलॉग बीजी, डायलॉग बीजी मतलब डायलॉग बैकग्राउंड ले लिया मैं इसको, डायलॉग बीजी। और इस यहाँ लिखा हुआ सिलेक्टर, इसको रखते हैं सेफ, और इसको यहाँ क्लिक करेंगे ओके। इतना क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ जो बैकग्राउंड है, यहाँ देखिए यहाँ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा बैकग्राउंड है यहाँ, इसके अंदर में हम लोग फिर सेफ को यहाँ क्लिक करेंगे एक सिंगल स्पेस, और यहाँ लेंगे रेक्टेंगल। उसके बाद फिर से इसको रीअरेंज करेंगे कोड को, रीअरेंज करने के बाद यहाँ इसके अंदर में हम लोग लेंगे सॉलिड,
सॉलिड में यहाँ रखेंगे कलर, और कलर में चूज करने वाले हैं हम लोग मैनुअल लिखेंगे कलर कोड, ठीक है। ज़्यादा कुछ लाइट आ गया चले यहाँ, यहाँ सबको इसको मैनेज कर लेना है, इतना हो गया। अब इसका जो कॉर्नर को यहाँ सेट कर देंगे रेडियस में 20 dp, एनएफ है 20 dp, और इतना होने के बाद यहाँ हम इसको फिर से कर देंगे रीअरेंज। रीअरेंज के बाद ये हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो कट गया। और उसके बाद यहाँ अब इस लीनियर लेआउट के अंदर में हम लोग इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे डायलॉग, अभी जो सेट किया था डायलॉग बीजी। देखिए हमारे पास ये आ गया, और इसका जो कॉर्नर है यहाँ हम लोग ज़्यादा ले लिए थे, यहाँ कॉर्नर रखेंगे 4 dp ओनली, नॉट 20। और यहाँ देखिए ये हमारा सिस्टम यहाँ दिखने लगा बढ़िया से। अब इतना जब अबाउट लिख लिया, तो इसके बाद इसके नीचे में हम लोग को लिखना है टेक्स्ट व्यू, इसके मतलब अपने ऐप के बारे में। तो जो भी यहाँ लिखना है तो टेक्स्ट व्यू यहाँ टाइप करेंगे, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, रैप कंटेंट क्लोज। और इसका जो यहाँ देखिए ऊपर में अबाउट में टेक्स्ट एलिमेंट यहाँ लेना भूल गए हैं, यहाँ लेंगे सेंटर टेक्स्ट एलिमेंट, और यहाँ भी लेंगे टेक्स्ट एलिमेंट सेंटर। इतना लेने के बाद यहाँ आपको टेक्स्ट व्यू लिखना है। तो टेक्स्ट व्यू में क्या लिखना है आपको, अपने ऐप के बारे में लिखना। तो मैं डायरेक्टली इस अपने टेक्स्ट व्यू को डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। यहाँ देखिए हमने टेक्स्ट का यहाँ टेक्स्ट व्यू ले लिया, और उसके हम लोग टेक्स्ट का कलर भी सेट करेंगे। तो टेक्स्ट कलर यहाँ रहेगा बैकग्राउंड यहाँ रहेगा ग्रे, देखिए ये हमारा ग्रे मिल गया यहाँ। और इसका जो टेक्स्ट का जो मार्जिन टॉप ले लेंगे थोड़ा सा, और इसका लेंगे 8 dp, ज़्यादा नहीं लेंगे 8 dp एनएफ मार्जिन टॉप। उसके बाद हमको एक टेक्स्ट और लेना है, जो कि आप बताना है कि आपको इस ऐप में क्या है नहीं है, मतलब कि आप अपने अनुसार इसमें सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ अपना डिटेल दे दिया, अब एक टेक्स्ट यहाँ नीचे और लूँगा, और यहाँ फिर से तो यहाँ लेने का सिंपल तरीका क्या है कि इसको मैं डायरेक्टली कॉपी करूँगा यहाँ से कॉपी, और इसके नीचे डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, और इस टेक्स्ट को सिर्फ यहाँ से इसको हटा दूँगा, और यहाँ से फिर एक टेक्स्ट लूँगा। तो यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ, फिर से इस ऐप के बारे में लिखता हूँ, यहाँ डायरेक्टली मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और देखिए हमने यहाँ अपने टेक्स्ट के बारे में यहाँ क्लियरली लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ देखिए आपको यहाँ एक चीज़ है हाइट, यहाँ जो कि हमारा एक लाइन दिखेगा। तो यहाँ लेंगे व्यू, व्यू में सीधा इसका विथ रखेंगे मैच पेरेंट, और इसका हाइट रखेंगे 0.04 dp, लाइन दिखेगा। और इसके बाद यहाँ इसका जो बैकग्राउंड जो रहेगा, इससे इसका बैकग्राउंड यहाँ से मैं रखता हूँ क्योंकि टोटली वाइट ही रहेगा, इसलिए वाइट हो गया। और इसका मार्जिन टॉप रहेगा, इसका मार्जिन टॉप रहेगा 8 dp, 8 dp से ऊपर कुछ नहीं लेना है आपको, सीधा आपको सिर्फ 8 dp लेना है हर जगह जितने। उसके बाद यहाँ हमको शो करवाना है ईमेल और अपना ईमेल आईडी। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू में यहाँ डायरेक्टली रैप कंटेंट डालेंगे, यहाँ क्लोज करेंगे, और यहाँ टेक्स्ट में यहाँ लिखेंगे, टेक्स्ट में यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे डायरेक्टली क्लियर ईमेल आईडी। और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है, कलर जो है इसका कलर रहेगा वाइट, और इसका टेक्स्ट स्टाइल जो रहेगा बोल्ड रहेगा, और यहाँ मार्जिन टॉप से ये 4 dp नीचे रहेगा, मतलब लाइन से थोड़ा सा नीचे रहेगा। देखिए यहाँ ऊपर लाइन जो है, हाँ आपको दिख रहा होगा इस जगह लाइन से। और इसका अपीयरेंस हम लेने भूल गए, तो अपीयरेंस लेंगे लार्ज, तो लार्ज ज़्यादा कुछ बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ लेंगे अपीयरेंस मीडियम, ठीक है, ताकि मीडियम आराम से दिखे। अब इसके नीचे हम लोग सिंपल से यहाँ इसका लेंगे डायरेक्टली, इसको कॉपी करते हैं, और इसका यहाँ ईमेल सेट करने वाले हैं। तो ईमेल डायरेक्टली पेस्ट करेंगे, और यहाँ जो दिया हुआ है आपका ईमेल, तो मैं ईमेल अपना लिखता हूँ contact@clicktocode.in, ये हमारा ईमेल रहा। अब इसको टेक्स्ट स्टाइल को यहाँ बोल्ड से हमको हटा देना है, टेक्स्ट वाइट से यहाँ कर देना है ग्रे, ठीक है, ग्रे कर देना है आराम से, यहाँ ग्रे रखना है, या फिर वाइट रखेंगे यहाँ तो वाइट रखने से चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ इसका साइज को स्मॉल कर देंगे ताकि आराम से दिखे, और इसका जो हाइट है यहाँ मार्जिन टॉप, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो इसको यहाँ से हम लोग यहाँ इसको हटा दिए, ये हमारा इतना देखिए बन के रेडी हो गया। अब इसको सीधा रीअरेंज करते हैं, तो हमारा जो सारा कोड जो था रीअरेंज हो गया। अब यहाँ बात आती है कि यार ये जो हमने सेट किया था, ये हमारा एक तरफा क्यों दिख रहा है, मतलब तो एक साइड में क्यों दिख रहा है। इसे दिखने का कारण क्या है कि हमने देखो ऊपर जो इसका ग्रेविटी सेट किया था, ग्रेविटी यहाँ नहीं लेना है, यहाँ हम लोग को ले आउट ग्रेविटी लेना है। तो यहाँ ले आउट ग्रेविटी में यहाँ रखना है सेंटर, तो देखिए हमारा ये जो है ये आ जाएगा बीचों बीच में। अब यहाँ एक काम मेरा रह गया कि हम अपना ऐप का यहाँ लोगो शो करवाना है ऊपर में, ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि ये ऐप किसका है या क्या है सो। तो देखिए यहाँ हम लोग लीनियर लेआउट के बाहर निकलना है, बाहर निकलने के बाद यहाँ ये लेंगे इमेज व्यू, इमेज व्यू लिया, और इसको रखेंगे हाइट रहेगा 80 dp, अब 80 dp, और यहाँ इसका हाइट विथ भी रहेगा 80 dp।
अभी मैं यहाँ 80 dB क्यों ले रहा हूँ आपके माइंड में आता होगा, तो देखिए यहाँ उतना ही लेना है जहाँ ऊपर में, देखिए ऊपर में हमने यहाँ भी सेट किया था शुरू में, यहाँ इसका मार्जिन टॉप लिया था 40 dB, तो यहाँ अगर आप लेते हैं 40 dB तो उसका जो इमेज साइज रहेगा वो रखना पड़ेगा दोगुना, ताकि आपका ऐप जो है पर्टिकुलर अच्छा दिखे। उसके बाद इसका SRC जो है मैं यहाँ फाइंड करता हूँ, SRC में रखता हूँ IC लॉन्चर, ठीक है IC लॉन्चर रखूँगा। उसके बाद इसका हम लोग सेंटर इन पेरेंट में करता हूँ, तो यहाँ रखूँगा ट्रू, तो यहाँ सेंटर पेरेंट नहीं सेंटर हॉरिजेंटल पेरेंट होगा यहाँ, तो सेंटर हॉरिजेंटल में आएगा ट्रू, और देखिए हमारा जो ऐप है यहाँ क्लियरली इस तरह आपको यहाँ दिख जाएगा, आप देख रहे हैं क्लियरली, ये देखिए हमारा यहाँ बन के रेडी हो गया ये ऐप। अब इतना हम लोग अबाउट लिख लेंगे, अबाउट देखिए यहाँ क्या है कि जब हम लोग ये बनाए तो हमारा जो अबाउट था अबाउट लिखा हुआ वो गायब हो गया। अब गायब होने का कारण क्या है, इसका लेंगे मार्जिन टॉप एलिंग पेरेंट टॉप और इसको रखेंगे ट्रू। ट्रू रखने के बाद यहाँ हमारा जो अबाउट का जो सेशन था ऊपर में, ए सेशन अबाउट वो था उसको हम लोग मार्जिन नहीं लिया ऊपर से, तो यहाँ मार्जिन ले लेंगे, मार्जिन टॉप ले लेंगे, तो यहाँ हम लेते हैं 40 dp, ठीक है जितना हमने ऊपर में लिया था इसका मार्जिन टॉप का उतना ही यहाँ लेंगे, तो ये बराबर निकल जाएगा आराम से। और यहाँ देखिए क्लियरली आपका जो अबाउट है यहाँ बन के रेडी हो गया है। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं और सेम टू सेम हम लोग इसको करेंगे डिस्क्लेमर में भी, तो सीधा मैं इस कोड को डायरेक्टली कॉपी करता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं यहाँ कुछ करने वाला नहीं हूँ, तो सीधा मैं इस कोड को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करता हूँ और जाता हूँ डिस्क्लेमर में, और इसको मैं स्प्लिट करके यहाँ से फिर सबसे पहले इसको रीअरेंज करूँगा कोड को, रीअरेंज कर दिया, और इसका जो विड्थ था 300 सेट करना था सेट कर दिया, इसका जो हाइट था रैप कंटेंट था रैप कंटेंट भी है, और इसका लेआउट ग्रेविटी जो था हम लोग का लेआउट ग्रेविटी सेंटर सेट कर दिया। उसके बाद इसको हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देंगे जो कोड हमने सेट किया था। तो देखिए यहाँ इतना हो गया, हमने एक छोड़ दिया यहाँ इसका इमेज व्यू छोड़ दिया, तो इमेज व्यू को भी हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने बाद आते हैं डायरेक्टली डिस्क्लेमर में, और डिस्क्लेमर में यहाँ डायरेक्टली इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, तो देखिए हमारे पास इमेज व्यू आ गया। अब करना क्या है आपको चेंजिंग में, देखिए क्या करना है इसको, डिस्क्लेमर हम लोग स्पेशली क्यों पुट करते हैं ऐप में, क्योंकि आपके ऐप में जो भी कंटेंट है अगर किसी दूसरे का होगा तो उसको ये हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि अगर आपका कंटेंट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके कंटेंट को इंस्टेंटली अपने ऐप से रिमूव कर देंगे अगर उन ओनर को होगा प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अबाउट से यहाँ लिखेंगे डिस्क्लेमर, उसके बाद यहाँ इसका नाम जो है यहाँ कुछ डिटेल है, ये आपको डिटेल में सीधा कॉपी एंड पेस्ट करूँगा क्योंकि ज़्यादा मैं आपको टाइम लूँगा नहीं, तो इसलिए डायरेक्टली मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट करने वाला हूँ। और इसके अंदर में इस टेक्स्ट व्यू को हम लोग डिलीट करेंगे, और यहाँ इसके अंदर में फिर से लेंगे एक टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग जो कॉपी किए उसको पेस्ट करेंगे, यहाँ सीधा इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। और देखिए हमारे सामने डिस्क्लेमर का पूरा डिटेल चिट्ठा मिली है यहाँ जो हमने क्या लिखा है, अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो आराम से क्या मैं लिखा हूँ। और इसका बाद इसके डिस्क्लेमर का एक चीज़ नीचे और लिखना पड़ता है हमको, जो कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और मैंने भी यहाँ इसको डायरेक्टली मैं इस कोड को सीधा इसको डिलीट करता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ इसके हम टेक्स्ट में यहाँ डायरेक्टली इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, और इसको इस टेक्स्ट को हम लोग डायरेक्टली रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि रीअरेंज करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ हमारा आ गया, लेकिन यहाँ आपको देख रहे हैं कि यहाँ दोनों का एक ही साइज, तो यहाँ आपको सीधा टेक्स्ट को टेक्स्ट स्टाइल को कर देना है बोल्ड, ताकि लोगों को दिखे कि मैं बोल के आ रहा हूँ। और इसका जो कलर जो है हल्का से इसको कलर को देना है चेंज कर, तो यहाँ चेंज करने के लिए डायरेक्टली मैं इसको अपना पर्सनल कलर कोड जो है इसका सेट कर दूंगा, 000 ब्लैक हो गया, और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ ले आया ताकि लोगों को क्लियर दिखे कि मैं बंदा बोल क्या रहा है बंदा। तो यहाँ डायरेक्टली मैं फिर से इसको कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि अच्छी तरह दिखे, और इसको मैं डायरेक्टली इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। और देखिए हमारा जो डिस्क्लेमर जो था बन के रेडी हो गया है। अब हमने दो चीज़ बना लिया, एक डिस्क्लेमर बना दिया और बना दिया अबाउट। अब इन दोनों को हमको एक्शन बार के कहाँ करना है इन्फ्लेट, पहले दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसको मैं कट करता हूँ क्योंकि तीनों का काम खत्म हो गया, डिस्क्लेमर अबाउट का और इसका। अब ये हमारा एक्शन बार जो था बना चुके हैं पिछले वीडियो में। अब यहाँ हमारा जो देखिए यहाँ हमने पिछले वीडियो में बनाया था इंस्टाग्राम का अबाउट का डिस्क्लेमर का, अब हमको इसके अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम करना क्या पड़ेगा, पहले हमको डायलॉग व्यू से निकालना पड़ेगा इसको, क्योंकि डायलॉग बनाया है ना, तो हमको डायलॉग व्यू द्वारा इसको इसको इन्फ्लेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सीधा डायलॉग इजिकल टू न्यू डायलॉग मेन एक्टिविटी, क्योंकि ये मेन एक्टिविटी में चलिए यहाँ मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ये देखिए हमने पहला लाइन यहाँ क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ डायलॉग डॉट रिक्वेस्ट विंडो फीचर,
और यहाँ इसको देना है कि इस जब ये डायलॉग शो करेगा तो हमारा टोटली टाइटल वोटल जो विंडो में रहेगा उस स्क्रीन में सब हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट विंडो डॉट नो फीचर टाइटल, ये हमको डालना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग जो डायलॉग बनाए थे उसको हम सेट करेंगे डायलॉग डॉट सेट कंटेंट फीचर कंटेंट व्यू और यहाँ आर डॉट ले आउट डॉट डायलॉग अबाउट था पहला, उसको यहाँ हम लोग सेट कर दिए। इसके बाद हम लोग डायलॉग को डायरेक्टली शो कर देंगे, डायरेक्टली शो। तो देखिए इतना हमारे हो गया, लेकिन जब हम लोग इस डायलॉग को शो करेंगे इसमें आपको एक दिक्कत क्या आएगी कि हमारा जो डायलॉग का जो बैकग्राउंड रहेगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, कारण कि हम लोग यहाँ ट्रांसपेरेंट का कोड यहाँ सेट किया ही नहीं। तो साथ ही साथ हम लोग लगे हाथ ट्रांसपेरेंट का कोड भी सेट करेंगे ताकि जो हमारा ऐप जो है परफेक्ट दिखे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो इसके अंदर में हमको डायलॉग डॉट गेट विंडो सेट बैकग्राउंड ड्रॉएबल और यहाँ लिखना है न्यू कलर ड्रॉएबल, कलर लेना है और यहाँ लेना है ट्रांसपेरेंट। ये देखिए हमारा जो काम था इतना यहाँ हमारा हो चुका है। तो सिर्फ हम लोग यहाँ डायलॉग बनाया था, अब इसको डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इस डिस्क्लेमर के अंदर में डायरेक्टली इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे और यहाँ जो हम लोग डायलॉग कर लिए थे अबाउट डायलॉग यहाँ हम लोग डिस्क्लेमर यहाँ ले लेंगे, मतलब कि हमारा टोटली काम जो यहाँ यहाँ हो चुका है। अब हम लोग सिंपली इसको अपने ऐप में देखेंगे रन करके कि हमारा ये काम कोड काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो सबसे पहले अपना ऐप को मैं कनेक्ट करता हूँ, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर चुका हूँ। अब सीधा इसको रन पर क्लिक करते हैं और वेट करते हैं जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा अपने एप्लीकेशन में लॉन्च ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ हमारे आपके सामने यहाँ दिख रहा है मोबाइल स्क्रीन में। अब हम लोग ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए हमारे सामने दो यहाँ सिस्टम था, तो पहला था अबाउट, क्लिक करेंगे देखिए अबाउट में यहाँ हमने यहाँ बनाया जो था वो टोटली परफेक्ट दिख रहा है। अब इसको हटाने के लिए कहीं भी क्लिक करेंगे बाहर में ये हट जाएगा। उसके बाद डिस्क्लेमर था, तो डिस्क्लेमर भी देखिए यहाँ क्लियरली ये परफेक्ट काम कर रहा है। और हमने जो सेट किया था इंस्टाग्राम का भी आईडी यहाँ देखिए क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग सीधा इंस्टाग्राम पर सीधा पहुँच जाएंगे। और यार दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी कमेंट या फिर क्वेश्चन करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के आईडी पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो करें ताकि आपको हर एक इंस्टेंट आपको रिप्लाई करूँगा मैं इंस्टाग्राम से। तो यही छोटी सी वीडियो थी जो मैं बता रहा था कैसे ये काम करता है और कैसे डायलॉग भी हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा जो इस सीरीज का पार्ट 4 वीडियो था जो कि नाम था इसका पार्ट 3B, मतलब पिछली बार जो हमने बनाया था उसमें 3A था और 3B है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो शुरू करने वाले हैं पूरा रिसाइकल व्यू का सिस्टम जो कैसे रिसाइकल शो करता है, उसे मैं रिसाइकल व्यू का स्पेशली मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ प्लेलिस्ट में, लेकिन आपको इस सीरीज में भी सीखने को मिल जाएगा क्योंकि दो बार मैं बताऊंगा उसके बाद में फिर मैं आपको बताने की कोशिश कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दो बार जब बता देता हूं कोई भी चीज़ के बारे में तो मैं तीसरा बार बताने की कोशिश नहीं करता हूं क्योंकि आपके लिए काफ़ी है दो ही बार। तो यही छोटी सी वीडियो थी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।